सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को दोबारा पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। आलोक वर्मा ने आज दोबारा सीबीआई दफ्तर जाकर निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि एक हफ्ते में वह कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। आज ही नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा को सीबीआई दफ्तर में रिसीव किया। नागेश्वर राव ही उनकी अनुपस्थिति में अंतरिम डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। आपको बता दें कि सीबीआई के शीर्ष पदों पर तैनात दो अफसरों में झगड़ा सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था, जिसके बाद सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि उनके पास यह फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को पूर्ण रूप से राहत नहीं दी थी। कोर्ट के फैसले के अनुसार आलोक वर्मा पर जो भ्रष्टाचार संबंधी आरोप है उस पर उच्च स्तरीय कमेटी फैसला लेगी। इस कमेटी को एक सप्ताह के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। तब तक आलोक वर्मा कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि केंद्र सरकार ने सिर्फ सीवीसी की सिफारिश पर ही निर्णय किया था। वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से पढ़कर इसका पालन करेंगे। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।